ये कभी कम न देना, कभी कम न देना, और खुशी देने वाले हो। बच्चे बच्चे ने इस धुन को गुनगुनाया, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी कम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की दे। हाँ जी, आजकल के नौजवान बच्चे यहाँ पर आजमान है। भैया चाय वालों से मेरा निवेदन है, भाई साहब, भाई साहब 5 मिनट और आप रुक जाएं, केवल देखिए। सुन जाओ भैया, 5 मिनट की तो बात है, मात्र एक भजन है। ओहो, मुझे कम न देना चाय देने वालों, व्यवस्था खराब है, व्यवस्था संभालो, व्यवस्था खराब है, व्यवस्था संभालो। भाई इधर में हम मेहनत कर रहे हैं, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल के बच्चे जब माता पिता पर सब कुछ है, हाँ सर, बाबूजी स्वागत स्वागत, सुनिएगा। माता पिता के पास में जवानी में बच्चे का पालन पोषण कौन करते हैं? माता और पिता। और जब उन पर बुढ़ापा आता है, आजकल के जगह जगह पर आप देख रहे हो जी, तो मेरा कहना है ऐसे बच्चों से, और मैंने तो स्वयं अपने ऊपर लिखवाया अपने गुरु से, कोई अपने ऊपर न ले जाए। वैसे सब ऐसे ही नहीं होते, जो माता पिता के दिलों को दुखाए, माता पिता के दिलों को दुखाए, राधे भैया मन की बात, जो माता पिता के दिलों को दुखाते, नई जिंदगी में, ये पर्सनली है तुम्हारे लिए, मन की बात छीन ली, ये पर्सनली है, पर जोरदार ताली मार दो। देखिए हमारे राधे भैया की तरफ से, देखिए जाने क्या बढ़िया लग गया, ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए स्पेशल में, हमारे राधे भैया की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा दे। दरअसल मुकेश भाई, मैं एक लेखक का शिष्य हूं और माँ शारदे से जो मांगता हूं लेखनी के माध्यम से, मुझे भी वो मिल जाता है। मुझे शब्दों की कदर है, मुझे पहचान है, तुम्हारे शब्दों के लिए एक दिया है, आपके लिए नहीं, आपके शब्दों के लिए एक बार तालियां। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने लिखा है कि तू तो दर्पण निहारे संवारे, सकल दाग दिल के छुपाने से क्या फायदा, और जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, और घर पे अम्मा भूखी बिलखती रहे तो संत ब्राह्मण जिमाने से क्या क्या फायदा। क्योंकि मन मन के मंदिर में तूने तो खोजा नहीं, मन के मंदिर में तूने तो खोजा नहीं, जल के लोटा चढ़ाने से क्या फायदा, मन के मंदिर में तूने तो खोजा नहीं, जल के लोटा चढ़ाने से क्या फायदा। और राज भाव व्यवहार से राज आदर करो, राधे मस्तक नवाने से क्या फायदा। क्या बात है सर, राधे भैया। माँ के तन पर है धोती फटी हुई, तब माँ पर चूजर उड़ाने से क्या फायदा, वाह, माँ पर चूंदर उड़ाने से क्या फायदा, और घर पे माता पिता प्यासे बिलकते रहे तो सिप पे कावर चढ़ाने से क्या फायदा। सुनिए भजन को,
राधे भैया स्वागत है स्वागत। ये कभी कम न देना, कभी कम न देना, खुशी देने वाले वाले। अब शब्द सुनेंगे। जो माता पिता के दिलों को दुखाते, क्योंकि मैं भी दो बच्चों का बाप हूँ, वाह, और मुझे भी वो स्थिति देखनी पड़ेगी आगे चल के। जो माता पिता के दिलों को दुखाते, अगर सही हो तो तालियां जरूर बजाना। माता पिता के दिलों को दुखाते, नहीं जिंदगी में वो, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते पाते। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हाथ ऊपर उठाएं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार माता रानी के दरबार में, और ये 500 रुपए भाई बिट्टू भाई की तरफ से, और ये 500 रुपए विष्णुदास शर्मा जी की तरफ से भाई भेंट पर खुश होकर देख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली मार दो। ये अमित भैया, और 100 रुपए की अरदास, 100 रुपए स्पेशली अमित भाई की तरफ से, अमित शर्मा जी की तरफ से, जोरदार ताली मारो भाइयों के लिए। नहीं जिंदगी में, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते पाते। अरे माता पिता के जो दिलों को दुखाते, माता पिता के जो दिलों को दुखाते। खुद कर्ज बन के, खुद कर्ज बन के फर्ज सब भुलाए। अरे माँ बाप ने दर्द दुख भी उठाए, माँ बाप ने दर्द दुख भी उठाए, माँ बाप ने दुख दर्द भी उठाए। माँ बाप ने बच्चे का पालन पोषण करने में बड़े दुख उठाए, मगर राधे भैया स्वागत है। बुढ़ापे में माता, वही बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को रुलाते रुलाते। सही है क्या गलत है? बहुत अच्छी बात है। जोरदार बुढ़ापे में माता और पिता को रुलाते, बुढ़ापे में माता पिता को रुलाते रुलाते। अरे नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाए, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाए। संतान पाने को, क्या बात है, बहुत सुंदर भाव। इस माता शक्ति पीठ के दरबार में कोई कुछ मांगने के लिए आता है, कोई धन मांगने के लिए आता है, कोई औलाद मांगने के लिए आता है, तो मेरा कहना है आजी संतान पाने को खिले मारे मारे,
संतान पाने को फिर मारे मारे सोचा था एक दिन बनेंगे सहारे, सोचा था एक दिन बनेंगे सहारे, सोचा था एक दिन बनेंगे सहारे। मगर ये तो हमारी तुम्हारी भावना है कि ये बुढ़ापे में हमारे सहारे बनेंगे, मगर अरे जो बेटी बेटा अपने, जो बेटी बेटा अपने धर्म भूल जाते। वाह बहुत सुंदर बात। जो बेटी बेटा अपने धर्म भूल जाते जाते, तो मेरी लाइन बोल रही है ये नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते। बुजुर्ग विराजमान है, हम उम्र भाई विराजमान है, अगर लाइन बढ़िया लगे तो केवल तालियां होनी चाहिए आपकी। माँ बाप को दुख जो संतान देगी, जो संतान देगी तो उनकी भी संतान ये ही करेगी, उनकी भी संतान ये ही करेगी, उनकी संतान ये ही करेगी। भगवान के दरबार में बदले कहीं नहीं जाते, सही कह रहा हूं का गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हो। माँ बाप को दुख संतान देगी, उनकी भी संतान अरे ये ही करेगी। अरे बुजुर्गों की बात है वो, बुजुर्गों की बात है जो ना ध्यान लाते लाते तो नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते। गोपाल परमार, क्या बात क्या बात, गोपाल परमार कर ले माता पिता की तू पूजा, अरे इनसे बड़ा ना देव दुनिया में दूजा, इनसे बड़ा ना देव दुनिया में दूजा, इनसे बड़ा ना देव दुनिया में दूजा। देखिए एक हमारे अखाड़े में हमारे गुरु एक आदरणीय स्वर्गीय विजेंद्र शर्मा जी, वो सबसे गुरु माने जाते थे खिचुआटे वालों में, और उनके बाद में हमारे किशन गुरु, और उनके बाद में हमारे गुरु गोपाल सिंह परमार जी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का रचित ये गीत है। उनके लिए एक बार जोरदार आप तालियां बजा करके सम्मान करें। और उनके बाद में जब आटे वालों में आया है तो ये आया है, सुनेंगे। परमार कर ले माता पिता की तू पूजा, अरे इनसे बड़ा ना देव
जो जीवन में यही जीवन में यही फर्ज भूल जाते जाते तो नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पा। धन्यवाद, जोरदार ताली मुकेश भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए थे तुम्हारे दर पे, आए थे तुम्हारे दर पे एक रात के लिए, और हम करते हैं प्रणाम सातों जात के लिए, सातों जात के लिए। मेरी राम राम लो, मेरी श्याम राम लो, मेरी राम राम लो, मेरी श्याम श्याम लो। आए थे तुम्हारे दर पे, आए थे तुम्हारे दर पे एक रात के लिए, और करते ही प्रणाम सातों जात के लिए, सातों जात के लिए। सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो मैं सब क्षमा प्रार्थना। हाँ जी।